नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेलिंग स्टेप में जो लेबल्स का ऑप्शन है वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और ये ऑप्शन की मदद से हम दोस्तों इस तरह के लेबल क्रिएट करेंगे। ये जो लेबल है उसमें एड्रेस डिटेल है। किसकी एड्रेस डिटेल है दोस्तों? जिन लोगों को हम खत भेजना चाहते हैं वो सभी लोगों के एड्रेस यहाँ पे है। दोस्तों, लेबल का यूज़ क्या है? दोस्तों, इस तरह से हम एड्रेस के लेबल बना सकते हैं, और इसकी प्रिंट हम स्टिकर शीट पे निकाल के उसको कट करके सीधा हम हमारे एनवेलप पे हम लगा सकते हैं, ताकि हमें हर एक एनवेलप पे, हर एक लिफाफे पे एड्रेस हाथों से लिखना ना पड़े। इसलिए तो ये लेबल का यूज है दोस्तों। दोस्तों, ये जो लेबल क्रिएट करने का ऑप्शन है बहुत ही आसान है, तो ये वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों, लेबल की प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको सैंपल कॉन्टेक्ट डिटेल की एक्सेल फाइल चाहिए तो वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उसमें सभी में हमने पहले से ही सैंपल कॉन्टेक्ट डिटेल डाल के रखी है, जो आप सीधी यूज कर सकते हो लेबल की प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब हम दोस्तों सीख लेते हैं कि इस तरह के लेबल कैसे हम बनाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने हमारा एमएस ऑफिस वर्ड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हमने पहले से ही एक्सेल में एक कॉन्टेक्ट डिटेल तैयार करके रखी है, जिसका हम यूज़ करेंगे लेबल क्रिएट करने में। तो ये कॉन्टेक्ट डिटेल हमने एक्सेल में बनाई है, उसको अभी के लिए हम क्लोज कर देते हैं। अब फिर से हम हमारे एमएस ऑफिस वर्ड के डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेलिंग्स का टैब है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है लेबल्स का। दोस्तों, ये लेबल्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको एक ही तरह का एड्रेस सभी लेबल पे चाहिए तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिख के न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, तो एक ही एड्रेस के लिए सभी लेबल बनेंगे। मगर आपको अलग अलग एड्रेस वाले लेबल चाहिए, मतलब कि हमें जिन लोगों को खत भेजना है, लिफाफा भेजना है, तो हर एक एनवेलोप पे अलग अलग एड्रेस आएगा, तो वो सभी के लिए हमें एड्रेस प्रिंट करना है। तो उसके लिए हर एक लेबल में अलग अलग एड्रेस आए, हमारे पास जो कॉन्टेक्ट डिटेल है उसके एड्रेस आए, उस तरह से हमें यहाँ पे लेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको ये ऑप्शन यूज नहीं करना है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो ऑप्शन है वो किसके लिए है? सभी लेबल में आपको एक जैसा एड्रेस चाहिए, उसके लिए ये ऑप्शन को आपको यूज करना है। सभी लेबल में अलग अलग एड्रेस चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको दोस्तों लास्ट ऑप्शन है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों राइट साइड एक पैनल ओपन हो जाएगी। ये पैनल में से आपको फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट करना है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लेबल। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन है चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट। दोस्तों, अभी हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमें लेबल के हिसाब से लेआउट रखना पड़ेगा। तो आपको ये जो ऑप्शन है लेबल ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे लेबल की अलग अलग साइज दी हुई है, 1x2 लेटर, 1x2 लेटर, ये अलग अलग साइज है दोस्तों। पहली साइज पोर्ट्रेट होती है, मतलब कि सीधा पेज आएगा, और दूसरी साइज है वो लैंडस्केप होती है, और हाइट और विथ कितनी रहेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अगर आपको एक पेज में एक से ज्यादा एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे 30 पर पेज है। पहला ऑप्शन है वो पोर्ट्रेट के लिए है, जिसमें एड्रेस की विथ इतनी रहेगी, हाइट इतनी रहेगी, और पेज की साइज ये रहेगी। और दूसरा ऑप्शन है 30 पर पेज, वो लैंडस्केप है, जिसमें हाइट और विथ इस तरह से रहेगी। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 30 पर पेज दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए 30 पर पेज दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप वाला, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे लेबल का लेआउट क्रिएट हो गया है। अभी के लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई इन्फॉर्मेशन डाली नहीं है। अब हम दोस्तों यहाँ पे मेल मर्ज के पैनल में नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों हमें जिन लोगों के लिए लेबल क्रिएट करना है उसका लिस्ट हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पर भी हमारी फाइल रखी हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स में है, और डॉक्यूमेंट्स में फाइल का नेम है कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखा रहा है कि आपने जो फाइल सिलेक्ट की है उसमें
डेटा कौन से शीट में है, तो हमारा डेटा शीट 1 में है, तो उसको हम सिलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो फाइल है उसमें कौन कौन से कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो ये सभी हमें चाहिए। तो अभी हम इसको सभी को सिलेक्ट ही रखेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो ये फर्स्ट लेवल है वो ब्लैंक आ रहा है और नेक्स्ट लेवल में यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है। मतलब कि ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, हम जो भी रिकॉर्ड, जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल पहले लेवल में रखेंगे उसके बाद का रिकॉर्ड, मतलब कि नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे आएगा। इसलिए ये जो नेक्स्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन है वो अपने आप आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है, तो इसके लिए अभी ये स्टेप खत्म हो गया, हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों हमें हमारा कर्सर है वो फर्स्ट एड्रेस का जो ब्लॉक होता है वहाँ पे हमें रखना है, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें हमारा कर्सर रखना है। अब हम नेक्स्ट बटन पे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पे हम एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट करेंगे, एड्रेस ब्लॉक यहाँ पे भी ऑप्शन है और यहाँ पर भी ऑप्शन है, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम ये ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको किस तरह का एड्रेस ब्लॉक चाहिए, तो ये ऑप्शन वाला, ये डिटेल वाला एड्रेस ब्लॉक चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सिर्फ सरनेम ही आ रही है, नेम नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे नेम भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, मैच फील्ड पे आपको क्लिक करना है, तो ये डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नेम के सामने नॉट मैच्ड लिखा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम के सामने आपको अपना फील्ड मैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नेम के सामने फर्स्ट नेम आना चाहिए, लास्ट नेम के सामने लास्ट नेम सही है, एड्रेस भी सही है, सिटी भी सही है, स्टेट भी सही है, पोस्टल कोड में मैच नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे पोस्टल कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे हमारा फील्ड पिन कोड, जो हमारी एक्सेल शीट में है वो है पिन कोड, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे पिन कोड। अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सही तरीके से आ रहा है, ऊपर नेम भी आ रहा है और पिन कोड भी साथ में आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ओके, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट लेवल है उसमें एड्रेस ब्लॉक इंसर्ट हो गया। अब दोस्तों ये जो एड्रेस ब्लॉक है वो सभी लेवल में हमें रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो मेल मर्ज की पैनल है उस पर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है अपडेट ऑल लेबल्स, ये बटन पे आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, जो भी चेंजेस आपने फर्स्ट लेवल में किए हैं वो सभी चेंजेस बाकी के लेवल में अप्लाई हो जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं ये इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों तो सभी लेवल में एड्रेस ब्लॉक आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी लेवल में एड्रेस ब्लॉक ले लेना है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू देख लेंगे, तो देखिए दोस्तों ये प्रीव्यू आ गया, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्टेक्ट डिटेल है जिसको हम खत भेजना चाहते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पे दोस्तों ये एड्रेस है वो पूरा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो लेबल है उसकी साइज कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइन के बीच में स्पेस है वो कम कर देंगे और लेटर की साइज थोड़ी कम कर देंगे। यहाँ पे जो ये लेबल है वो सभी को सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी लेबल सिलेक्ट हो गए, अब हम होम में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन पैराग्राफ का ऑप्शन है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, रिमूव आफ्टर स्पेस कर देंगे, फिर से क्लिक करेंगे, रिमूव बिफोर स्पेस कर देंगे, फिर से क्लिक करेंगे और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारा लेबल है वो सही तरीके से आ रहा है, तो हमारे एक्सेल में जितने भी कॉन्टेक्ट थे वो सभी के लिए यहाँ पे एड्रेस लेबल तैयार हो गए। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल है तो उसके लिए, वो सभी के लिए आप लेबल क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लेबल क्रिएट हमने किया है उसकी आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर उसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको ज़रूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।